Welcome to English Guru YouTube channel. Please click the red subscribe button and press the bell icon to receive all notifications about my new video lectures. Good morning students. Welcome back to third part of new series of video lectures which comprises MCQs on English literature from Anglo-Saxon to 20th century. And I hope it will be very helpful for not only your upcoming TGT, PGT, and UGC NET exams, but also for all other English teachers' recruitment exams. Okay, now let's start. In this part, we will discuss from question number 41 to 60. Alright. Question number 41 is Which of the following in Chaucer's The Canterbury Tales is a shorter and more rapidly moving version of? बुकाचियोज तहसीदा चौसर के द कंट्री टेल्स में निम्नलिखित में से कौन बुकाचियोज के तहसीदा का एक छोटा और अधिक तेजी से आगे बढ़ने वाला संस्करण है सी द ऑप्शन ऑप्शन ए द नाइट स्टेल ऑप्शन बी द पार्टनर स्टेल ऑप्शन सी द नंस प्रिस्ट स्टेल एंड ऑप्शन डी द पार्सन स्टेल द नाइट स्टेल इन चार्सर्स द कंटरबरी टेल्स इज अटर एंड मोर रेपिडली मूविंग वर्जन ऑफ बोकाचियोसा चौसर की द कंटरबरी टेल्स में नाइट की कहानी बोकाचियोस के तेसईदा का एक छोटा और अधिक तेजी से आगे बढ़ने वाला संस्करण है राइट ऑप्शन विल बी ए द नाइट स्टेल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच टेल इन चाउस द कंट्री टेल्स डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ मेस्ट्री इन मैरिज मेस्ट्री मीन्स मास्टरी डोमिनियन, स्किल एडमरेबल अचीवमेंट चौसर की द कंट्री टेल्स में कौन सी कहानी मैरिज में मेस्ट्री की क्वेश्चन से संबंधित है ऑप्शन ए द वाइफ ऑफ बाथ स्टेल ऑप्शन बी द क्लर्क स्टेल ऑप्शन सी द मर्चेंट स्टेल and option d the square Tale. let me explain it the wife of bath's tale in chaucer's the canterbury tales deals with the question of maestry in marriage the wife of bath uses maestry to denote a woman's power to make decisions for herself in love or erotic relationships so the right option will be a the wife of bath's tale नाउ लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थ्री आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दाइन्स यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बताना है अलंकार द वूड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिज टू की पोएम स्टॉपिंग बाई वूड्स इवनिंग बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट सी द ऑप्शन ऑप्शन ए अलिटरेशन ऑप्शन बी मेटफर डी हाइपरबली मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार द पोइटिक डिवाइस यूज इन द अबर लाइंस इज मेटफर यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है माइल्स टू गो इज़ अ metaphor फॉर कंटिन्यूइंग जर्नी ऑफ लाइफ माइल्स टू गो जीवन की निरंतर यात्रा के लिए एक रूपक है एंड स्लीप इज अ metaphor ऑफ डेथ और स्लीप डेथ का एक रूपक है रेपिटेशन मीन्स पुनरावृत्ति पोइटिक डिवाइस इज ऑल्सो देयर इन द लाइन्स एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप लास्ट टू लाइन्स में रेपिटेशन पोइट्रिक डिवाइस का भी प्रयोग किया गया है सो हियर द राइट ऑप्शन विल बी बी मेटाफर यानी अलंकार करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर सही स्टेटमेंट बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट द और ऑक्टोसिलेबिक वर्ड्स इज अ लाइन ऑफ वर्ड्स विथ टेन सिलेबल्स अष्टपद या अष्टपद काव्य छंद की एक पंक्ति है जिसमें दस शब्दांश होते हैं स्टेटमेंट टू इज इट इज इक्वल टू टेट्रामेटर वर्ड्स इन ट्रोकीज इन लैंग्वेजेस विथ अ स्ट्रेस एक्सेंट यह स्ट्रेस एक्सेंट के साथ लैंग्वेजेस में पोइटिक मीटर ट्रोकीज में टेट्रामीटर पद के बराबर है ट्रोकी Is a metrical foot consisting of one long syllable followed by one short syllable or of one stressed syllable followed by one unstressed syllable. Let's see the options. Option A correct first, incorrect second, B incorrect first, correct two, C both one and two are correct, and D both one and two are incorrect. The octosyllable और ऑक्टोसिलेबिक वर्ड्स इज अ लाइन ऑफ वर्ड्स विथ एट सिलेबल्स। अष्टपद या अष्टपद काव्य छंद की एक पंक्ति है जिसमें आठ शब्दांश होते हैं न कि दस सो हियर राइट ऑप्शन विल बी बी इनकरेक्ट फर्स्ट करेक्ट टू यानी यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है ऑलराइट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इन चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स इज अग्राफी ऑफ द लाइफ ऑफ सेंट सिसिलिया। सिस द राइटिंग ऑफ द लाइफ्स ऑफ सेंट्स चौसर्स की द कैंटरबरी टेल्स में निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संत सिसिलिया के जीवन की कहानी है ऑप्शन ए द फ्रेंकलिन ऑप्शन बी द समेल ऑप्शन सी द सेकंड ननस्टेल एंड ऑप्शन डी द वाइफ ऑफ बाथ स्टेल द सेकंड ननस्टेल इन चाउसरस द कैंटरबरी टेल्स इज एन अकाउंट इन राइम रॉयल ऑफ द लाइफ एंड मार्टरडम ऑफ सेंट सिसिलिया चाउसर की द कैंटरबरी टेल्स में द सेकंड ननस्टेल सेंट सिसिलिया की जीवन और शहादत के बारे में है सो यर द राइट ऑप्शन विल बी सी

Deadly sins means Ghatak Pap. Let's see the options. Option A, the Mancipal. Option B, the Second Nun. Option C, the Parson. And Option D, the Square. Let me explain it. In the Canterbury Tales, the person tells his tale in prose a long sermon on penitence, which includes the treatise on the seven deadly sins. टेल्स में में अपनी कहानी कहता है जो पछतावा, पेनिटेंस, या प्रायश्चित पर एक लंबा है, जिस है। जिसमें सात घातक पापों का वर्णन शामिल राइट ऑप्शन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटर्न बाय चाउसर यहां पर कौन सा वर्क चाउसर के द्वारा नहीं लिखा गया है ये बताना है ऑप्शन ए ट्रायलस एंड क्रसिडा ऑप्शन बी द हाउस ऑफ फेम ऑप्शन सी लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स सो ट्रायलस एंड क्रेसिडा इज अ प्ले रिटन इन अबाउट 1601 और 1602 बाय विलियम शेक्सपियर इट वाज पब्लिश्ड इन सिक्सटीन यहाँ पर ट्रायलस एंड क्रिसीडा ये वर्क विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है न कि चाउसर के द्वारा सो हियर द राइट ऑप्शन विल बी ए एंड क्रिस्डा क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इज शेक्सपियर रोट ऑप्शन ए थर्टी सिक्स प्लेज एंड वन हंड्रेड फिफ्टी थ्री सोनेट्स ऑप्शन बी थर्टी सेवन प्लेज एंड वन हंड्रेड फिफ्टी फोर सोनेट्स ऑप्शन सी थर्टी एट प्लेज एंड वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव सोनेट्स and option d 39 plays and 156 sonnets so shakespeare wrote 37 plays and 154 sonnets here right option will be b 37 plays and 154 sonnets question number 49 is who speaks the following lines in the play 12th night some are born great some achieve greatness एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम थी टू फोर समू एक्सेप्ट और डील विथ सम किसी को स्वीकार करने या किसी चीज से निपटने के लिए मजबूर करना ऑप्शन ए सर एंड्रू ऑप्शन बी सर टोबी बेल्स ऑप्शन सी फैबियन एंड ऑप्शन डी मॉलवोलियो So, Malvolio, a fictional character, speaks the above lines while reading from the letter that Maria wrote in the play Twelfth Night, which is a comedy in Act 2, Scene 5. Here, the right option will be D. Malvolio. Question number 50 is referring to the Canterbury Tales, who said, Here is God's plenty. द कैंटरबरी टेल्स का जिक्र करते हुए किसने कहा यहाँ भगवान बहुत है ऑप्शन ए सैमुल जॉनसन ऑप्शन बी जॉन राइडन ऑप्शन सी चार्ल्स डिकेंस एंड ऑप्शन डी हेनरी फील्डिंग सो रिफरिंग टू द कैंटरबरी टेल्स जॉन राइडन सेड हियर इज गॉड्स प्लेंटी द कैंटरबरी टेल्स का जिक्र करते हुए जॉन राइडन ने कहा यहाँ भगवान बहुत हैं हियर इज गॉड्स प्लेंटी सो ये राइट ऑप्शन विल बी बी

एंड टाइड इन अक्टूबर 1408 डील्स विद द पेजेंट्स रिवोल्ट ऑफ 1381 हंड्रेड एटी वन यहां पर आपको बताना है कि जॉन गावर ने अपने किस वर्क में पेजेंट्स रिवोल्ट ऑफ 1381 की बात करते हैं लेट सी द ऑप्शन ए दूवर डिलोमी ऑप्शन बी वॉक्स क्लेमेंटिस ऑप्शन सी कन्फेशियो अमांटिस एंड ऑप्शन डी नीज Let me explain it. Mirror Delomi or The Mirror of Mankind is an Anglo Norman poem of 29,945 lines written in iambic octosyllables by John Gower. The Vox Clementis by John Gower is a dream allegory in Latin which deals with the peasants' revolt of 1381. The Confessio Amantis is a collection of tales in English up to syllabic couplets. So, your right option will be B, Vox Clementis. The Vox Clementis by John Gower is a dream allegory in Latin, which deals with the Peasants' Revolt of 1381. All right, now let's see question number 52. Piers Plowman was composed by Option A, John Gower, Option B, Geoffrey Chaucer, ऑप्शन सी विलियम लैंगलैंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज पियर्स प्लाउमन एंड इम्प्रेसिव एलेगोरिकल पोएम और सीरीज ऑफ रिलेटेड पोएम्स रिटेन इन द ओल्ड एलिटरेटरी मीटर इन द लेटर पार्ट ऑफ द फोर्टीन सेंचुरी वॉज कंपोज बाई विलियम लैंगलैंड चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुराने अनुप्रास मीटर में लिखी गई एक प्रभावशाली अलंकारिक कविता या संबंधित कविताओं की श्रृंखला पियर्स प्लाउमन की रचना विलियम लैंगलैंड ने की थी द राइट ऑप्शन विल बी सी विलियम लैंगलैंड नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 53। थ्री मैच द फॉलोइंग यहाँ पर लिस्ट वन में जो फेमस राइटिंग्स हैं फेमस वर्क्स, उनके नाम दिए हुए हैं और लिस्ट टू में उनके राइटर के नाम इसको मैच करना है फेरी क्वीन स्पेंसर द पास्ट टाइम ऑफ प्लेजर Stephen Halls, Castell of Pleasure published in 1518, William Neville, Ship of Fools published in 1509, Alexander Barclay. Here the famous works given in list A are well matched with the names of the writers given in list B. So your right option will be A, first A, second B, third C and fourth नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर कैलेंडर इज रिटन बाय ऑप्शन ए सर फिलिप सिडनी ऑप्शन बी जोफ्री चाउसर ऑप्शन सी बेन जॉनसन एंड ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर सो द शेफर्ड्स कैलेंडर इज अ सीरीज ऑफ एलगोरिकल पोएम्स रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इन फिफ्टीन द शेफर्ड्स कैलेंडर एडमंड स्पेंसर द्वारा फिफ्टीन में लिखी गई प्रतीकात्मक लाक्षणिक या प्रतीक चित्रात्मक कविताओं की एक श्रृंखला है हियर द राइट ऑप्शन विल बी डी एडमंड स्पेंसर क्वेश्चन नंबर 55 कोलिन क्लाउड एंड वाई कम ई नॉट टू कोर्ट आर कंपोज बाय ऑप्शन ए एडमंड स्पेंसर ऑप्शन बी जॉन गावर ऑप्शन सी जॉन स्केल्टन एंड ऑप्शन डी जॉन लिडगेट सो कोलिन क्लाउड एंड वाई कम ई नॉट टू कोर्ट राइट ऑप्शन विल बी सी जॉन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जॉन स्केमें गर्ल्स पेट स्पैरो जॉन स्केल्टन ने किस कविता में एक लड़की के पालतू गौरैया को खोने का अफसोस जताया है ऑप्शन ए द बुक ऑफ फिलिप स्पैरोपन बी द टर्निंग ऑफ एलिनर रामिंग Option C, garland of laurel. Option D, none of these. In the poem The Book of Philip Spiro, John Skelton laments the loss of a girl's pet spiro. A right option will be A, The Book of Philip Spiro. Next question, question number 57. Magnificence is a morality play with allegorical, means Venjanapur, characters written by option a john bell option b howard brenton option c ben johnson and option d john skelton so magnificence is a morality play with allegorical characters written by john skelton here right option will be d john skelton question number 58 is who turned first the english alliterative romance mort arthur Option A, Geoffrey of Monmouth. Option B, Sir Thomas Mallory. Option C, Roger Launcelin Green. Option D, Edmund Spencer. Sir Thomas Mallory, who appears to have been a mid 15th century knight of lawless behavior who wrote his stories in prison, turned first the English alliterative romance known as Mort Arthur. A right option will be B, Sir Thomas Mallory. Now question number fifty nine is who first brought the art of printing to England? Printing की कला को सबसे पहले इंग्लैंड में किसने लाया था? Option A Henry Dunster, option B Richard Pinson, option C William Caxton and option D Johannes Gutenberg. So William Caxton who was born around fourteen hundred twenty two and डाइड अराउंड 1491, एंड इंग्लिश मर्चेंट विलियम एंडलैंड एक अंग्रेजी व्यापारी राजनयिक और लेखक को 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है ये राइट ऑप्शन विल बी सी विलियम कैक्सटन नाउ क्वेश्चन नंबर इज़, आफ्टर द फॉल ऑफ द कांस्टेंटिनोपल टू द टर्क्स इन 1453, द ग्रीक स्पीकिंग क्रिस्टियंस इमिग्रेटेड टू 1453 में फोर्टीन में कॉन्स्टेंटिनोपल के तुर्कों के पतन के बाद ग्रीक भाषी ईसाई अप्रवास कर गए कहा कर गए ऑप्शन ए इटली ऑप्शन बी फ्रांस ऑप्शन सी जर्मनी ऑप्शन डी इंग्लैंड सो आफ्टर द फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल टू द टर्क्स इन 1453, द ग्रीक स्पीकिंग क्रिश्चियंस इमिग्रेटेड टू इटली 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के तुर्कों के पतन के बाद ग्रीक भाषी ईसाई इटली में आ गए हियर द राइट ऑप्शन विल बी ए इटली students i hope the questions that we have discussed in this video would have been clear to you i'll be soon back with third part till then take care all the best